बरगाड़ी विखे हुए पंथक इकट्ठ विखे हजारां दी गिणती विच पंथ दर्दियां ने शमूलियत कीती। इस मौके वड्डी गिणती विच लोक आपो अपने साधना ते बरगाड़ी पहुंचे। जिक्रयोग है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुई बेअदबी के मामले च अजे तक असल दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जिथे इस पंथक इकट्ठ ने बेअदबी मामले से संघर्ष लई राह पदरा किया है, उत्थे ही संघर्ष विच एक नवी ऊर्जा भी भर दिती है। इस मौके सरबत खालसा विखे सिख संगत द्वारा चुने गए जथेदारां दी रिहाई करवाउण ते बेअदबी मामले ते असल दोषियों की गिरफ्तारी संबंधी अहम फैसले ले गए ने। इस मौके बोलदिआं अकाली दल अमृतसर दे प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि जेकर सिख कौम अपना राज चाहुंदी है तां सानूं सब तों पहलां साडे गुरधामां ते कीते कब्जिआं तों गुरधामां नूं मुक्त करवाउणा पवेगा। की करना है? दो सिख शहीद हो गए है, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो गई है, असीं अज दसां तड़के चलांगे। पर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे ते सारे जे इत्थे संत महात्मा बैठे है, इन्हां ने चुपड़ी करना, क्यों करके गुरु महाराज कहिंदे है बाबर जाबर जिहड़े लोग सिखां विचों बाबर दे नाल रल जांदे है, बेशक महात्मा होण कोई होण, उन्हां नूं मुक्ति नहीं प्राप्त होनी, क्यों करके गुरु नानक साहिब दा एक विशेष हुकम छड के ओह जालम ते बाबर दे नाल लड़ गए है। आ जिहड़े संत महापुरख है ये गुरु नानक साहिब दी बाणी ते चलदे है, ताही ये महापुरख है। सो जिन्ना चिर आपां जद्दोजहद नहीं करांगे, इस सिस्टम नूं खत्म नहीं करांगे, ते साडे उत्ते ये जबर हुंदा रहूगा। मैं किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, हिंदू मेरे यार है, पर मैं दसना चाहना कि जिवें सिख किसी होर राज नूं कबूल नहीं करते, ये इन्हां दी जहन है, इन्हां दा मुंड है कि किसी के थले की असीं लैंदे। इस मौके फैसला लिया गया कि जिन्ना समा जथेदारां दी रिहाई नहीं हुंदी अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी करन वाले असल दोषियां दी गिरफ्तारी नहीं हुंदी, उन्ना समा इह संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके अगला प्रोग्राम लिखदिआं सिख आगुआं वल्लों इह फैसला लिया गया कि 17 दसंबर तों 25 दसंबर तक कपूरथला, नाभा अते हुशियारपुर दीआं जेलां अगे 11 वजे तों लै के शाम 4 वजे तक धरने दित्ते जाणगे। पिंड बरगाड़ी विखे पंथ धिरां वल्लों विशाल पंथक इकट्ठ विच पास कीते गए मते। खालसा जीओ पंथ ते सिख संगतां ते सिधांतां ते पहरा देण वालियां धार्मिक अते सियासी जथेबंदियां वल्लों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चोरी होए सरूपां दी प्राप्ति अते गुरु दे होए अंगां दी बेअदबी करन वाले असल मुलजमां की शनाख्त करना, बरगाड़ी कांड दे शहीद भाई किशन भगवान सिंह अते भाई गुरजीत सिंह सरावां दे कातल पुलिस अफसरां नूं कटहरे विच खड़ा करना अते सरबत खालसा दौरान नवे थापे गए जथेदार साहिबान श्री अकाल तख्त साहिब जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਤੂਆ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਸਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਵਸਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਭਾਈ ਸੁਖਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾ ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
झूठे केस पा के डकिया होया है। इन्हां पंथ दे प्रमुख सिंघां दी रिहाई ते सिख कौम दे मसलियां नूं हल करन लई पंजाब सरकार नूं 15 दिसंबर 2015 तक दा समां दित्ता गया सी, जो अज खत्म हो गया है। पर सरकार ने अजे तक एक भी मसले नूं हल करन दी लोड़ महसूस नहीं समझी, सगों इस दे उल्ट पंजाब पुलिस राही सिख कौम ते दहशत दा माहौल सिरजिया जा रहा है। इस पंथक इकट्ठ विच ऐलान कीता जांदा है कि इन्हां तिन्नां मसलियां नूं मुख रखदे होए 17 दिसंबर 2015 तों पंजाब दीआं तिन्न जिलां नाभा, हुशियारपुर अते कपूरथला अगे सवेरे 11 बजे तों शाम 4 बजे तक 25-25 सिंघां दा जथा रोस धरने ते बैठिया करेगा। मोगा तो कुलदीप घोलिए दे नाल सभाजीत पप्पू दी रिपोर्ट, पहरेदार टीवी।